हरियाणा में गठबंधन को लेकर अब कांग्रेस और एसपी के बीच फिर से ठन गई है। कांग्रेस की तरफ से एसपी को 3 सीटों का वादा किया गया था और इसी वादे के तहत जुलाना सीट देने का भरोसा भी दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने जुलाना सीट पर प्रत्याशी उतार दिया, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को वादा याद दिलाते हुए अल्टीमेटम दिया गया। एसपी की तरफ से कहा गया है कि 3 सीटों को लेकर कांग्रेस ने अगर आज फैसला नहीं लिया तो इसका चुनावी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो हरियाणा में जुलाना की सीट समाजवादी पार्टी को देने के बारे में कांग्रेस की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को व्हाट्सएप मैसेज भेजकर सूचित किया गया था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने वहाँ उम्मीदवार घोषित कर दिया। ये अच्छा तरीका नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमने जो 3 सीटों की बात कांग्रेस के सामने रखी हुई है, अगर इस बारे में कोई पॉजिटिव रिप्लाई आज शाम तक नहीं आता है तो इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। हरियाणा में कांग्रेस और एसपी ने सीटों को लेकर जिस तरीके से बयान दिए हैं उससे लग रहा है कि दोनों के बीच ठन गई है। इसे लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस ने एसपी की हैसियत बता दी। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का कांग्रेस के द्वारा अपमान कोई नई बात नहीं है। मध्य प्रदेश के चुनाव में सबको ध्यान में होगा कि कमलनाथ ने सार्वजनिक रूप से पूछा था कि अखिलेश वखिलेश कौन है। अब हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा ने भी उसी तर्ज पर पूछ लिया है और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की हैसियत को बताया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता को पता है कि अखिलेश यादव घुटने टेक कर कांग्रेस के साथ समझौता करते आए हैं, तो ये अपमान का रोना न रोएं अब अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी की हैसियत कांग्रेस ने ही बता दी है, उनके गठबंधन के ही दल ने बता दी है।